अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। आज मैं आप लोगों के साथ पेपर पोस्टपोन की एक न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट कुरम का इलाका है और कोहाट डिवीज़न में आता है। ये KPK का शहर है। ये इसके जो 5 तारीख का पेपर था, 6 तारीख का पेपर था, 8 तारीख का पेपर था और 9 तारीख का पेपर था, ये पेपर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन कर दिए हैं। उसके बाद जो 5 तारीख का पेपर था, अभी वो 6 महीने की 22 तारीख को पेपर होगा और जो 6 तारीख को पेपर था वो 6 महीने की 23 तारीख को पेपर होगा। उसके बाद जो 8 तारीख को पेपर था वो 6 महीने की 24 तारीख को पेपर होगा। उसके बाद जो 9 तारीख को पेपर था वो 6 महीने की 26 को पेपर होगा। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में क्लास भी लिखी हुई है, BA BS BEd प्रोग्राम, इनके पेपर पोस्टपोन कर दिए हैं। और ये पोस्टपोन करने की वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल अपर कुरम के इलाके में एक स्कूल में अटैक किया दहशतगर्दों ने, जिधर कुछ बच्चे भी शहीद हुए हैं और एक फीमेल टीचर भी शहीद हुई है, तो इसलिए ये उस इलाके के पेपर पोस्टपोन कर दिए हैं। उसके बाद फिर मैं ये भी आप लोगों को इधर क्लियरली बता दूं कि पूरे पाकिस्तान के पेपर जैसे होने हैं वैसे ही होंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुरम के पेपर पोस्टपोन हुए हैं। इसकी डिवीज़न कोहाट है, कोहाट के पेपर भी वैसे ही होंगे। सिर्फ एक ये डिस्ट्रिक्ट है जिसके पेपर पोस्टपोन हुए हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफिज़।